Hello, my dear students. Uh, so, welcome into our online platform of Shomish. So today we are going to discuss on the national current affairs of March eight to fourteen. Okay. So in this series, I have added a lot of MCQs with uh, interesting pictures. So let's go through the class and uh, explore all the important MCQs of this current. Uh, what current week? Okay. So let's begin the class. So March eight ka hi jo news hai, International Women's Day is observed every year on which day? सो इंटरनेशनल वुमेंस डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है ये हर एक साल एट ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है ओके okay? सो so, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेंस डे दो ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेंस डे तो ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है कि ये वाला इवेंट कब होता है और हर एक इवेंट का जो इंपॉर्टेंट थीम होता है वो भी कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ठीक है सो योर एग्जाम योर आंसर विल बी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी और ए वाला जो वेंचर है इसको किसने लीड किया है कोटक म्यूचुअल फंड लॉन्चेस तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी ओके तो दो दो आंसर हो गया पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था एट ऑफ मार्च एंड सेकेंड डिजिट ऑल ओके तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं एवरी इन द सेकेंडनेस डे क्या बोला गया है no तो तो क्योंकि इस साल जो मार्च का वेटनेस डे था सेकेंड वेटनेस डे था वो कब आया था वो आया था आपका मार्च एट को ओके चलिए नेक्स्ट देखते कर्नाट के सांगमा हेज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म वो कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के सीएम बने हैं इसका आंसर हो जाएगा मेघालय ठीक है रिसेंटली त्रिपुरा मेघालय एंड uh, शायद कहाँ पे इलेक्शन गया था त्रिपुरा मेघालय आई जस्ट फॉरगॉट ओके सो तीन जगह पे इलेक्शन गया था नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे त्रिपुरा और त्रिपुरा में तो कौन बने हैं सीएम मानिक शाह और मेघालय में कौन बने हैं सी के सांगमा जो पहले भी सीएम थे और त्रिपुरा का जो सीएम है ये भी पहले मानिक शाह ही हुआ करते थे ठीक है तो वही अभी त्रिपुरा के भी सीएम बने हैं ठीक है नेक्स्ट देखते मानिक शाह टूक ओथ एज हाउ मेनी चीफ हुई चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम एज त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर वो त्रिपुरा के थर्टींथ चीफ मिनिस्टर बने हैं ठीक है ठीके? और उनके टेनयर uh, में वो सेकंड टाइम इलेक्ट हुए ठीक है और त्रिपुरा के अभी ये कितने टर्म का सीएम है वो है थर्टींथ सीएम ऑफ त्रिपुरा ओके नेक्स्ट द थर्ड कॉमर्स वेल्थ कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस वॉज इन हुई ऑफ द स्टेट कॉमन वेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन से स्टेट में इनोग्रेट किया गया है ये देखिए यहां पे मैंने पिक्चर भी लगा हुआ है ये ट्वेंटी थर्ड कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस ठीक है ये कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है ये आपका इनोग्रेट हुआ है गोवा पे कहा पे? गोवा पे याद रखिए नेशनल फोटोग्राफी एवॉर्ड नेशनल फोटोग्राफी एवॉर्ड देखिए एथ नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला है आपका आंसर बन जाएगा सिप्रा दास किनको मिला है सिप्रा दास को ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट हैंड एम्बेसिडर ऑफ सेवलॉन इंडिया तो सेवलॉन इंडिया के अभी एंबेसिडर कौन बना है यहां पे पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा ये कौन है हमारा सचिन जी ठीक है सचिन तेंदुलकर तो आपका आंसर हो जाएगा डी ठीक है नेक्स्ट अतुल पंगाला ज ए रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हुई एमोंग फॉलोइंग स्टेट तो ये जो पोंगला फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है ये कहाँ पे मनाया जाता है? केरला पे, ठीक है तो और तो कल पोंगला कहाँ, कहाँ का है केरला का ओके चलिए इसके बाद देख लेते हैं हाँ। स्वच्छता सब थ्री विक वुमेन लीड स्वच्छता कैंपिंग लॉन्च बाई तो ये जो स्वच्छता उत्सव है इसमें थ्री वीक वुमेन लीड ए स्वच्छता कैंपिंग तो ये लॉन्च किया गया है कौन से मिनिस्ट्री की ओर से इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ठीक है थीके? तो इनका अभी मिनिस्टर कौन है हरदीप सिंह पुरी ठीक है हरदीप सिंह पुरी का ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ओके तो पे दिखाई दे रहा होगा ये देखिए स्वच्छता बहुत वीक क्या। तो अभी आगे हम मार्च टेन के न्यूज पे क्योंकि मार्च नाइन में शायद इतना कुछ खास था नहीं था ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस क्या बोला गया है इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन जजेस हुई इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ए कब सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल तो आपका हर एक साल मार्च ऑफ टेन को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस नेक्स्ट व्हाट इज द कैंपिंग थिंग ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो अभी इसका थीम क्या था मैंने क्या बोला था पहले कोई भी इवेंट कब होता है और कोई भी इवेंट का थीम क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ठीक है नेक्स्ट <coughs> तो इसका uh, क्या थीम था वॉट इज द कैंपिंग थिंग ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द थीम इज वुमेन इन जस्टिस वुमेन फॉर जस्टिस क्या बोला गया है वुमेन इन जस्टिस एंड वुमेन फॉर जस्टिस ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं Every year on March 10, the Central Industrial Security Force (CISF) Raising Day. This year the CISF Raising Day was celebrated. अभी बोला गया है कि मार्च ऑफ़ 10 को जो CISF है, ठीक है, वो हर एक ईयर पे CISF का Raising Day मनाते हैं हर एक साल में मार्च 10 को. तो अभी जो इस साल 2023 को जो सी का रेजिंग डे मनाया गया है मार्च टेन को वो कितना वा रेजिंग डे था तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी फिफ्टी रेजिंग डे था इस साल ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑन द सेकेंड थर्सडे इन मार्च ईच ईयर द वर्ल्ड ऑब्जर्व वर्ल्ड किडनी डे ए डे डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट किडनी हेल्थ ओके

व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड किडनी डे इन 2023? देखिए बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं इस वाले करंट इवेट्स एफेयर्स के क्लास में हाँ तो हर एक जो इवेंट हुआ है वो कहाँ पे इवेंट हुआ है कब इवेंट हुआ है यानी टाइम वो डेट किया था ठीक है लाइक वर्ल्ड वुमेंस डे कब मनाया जाता है ठीक है वुमेन जस्टिस जस्टिस ऑफ वुमेन डे कब मनाया जाता है ठीक है और अभी क्या बोला गया है आ, कि वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्या बोला गया देखिए वर्ल्ड किडनी डे का जो थीम है वो क्या था तो वर्ल्ड किडनी डे का जो थीम था वो था किडनी हेल्थ फॉर एवरी प्रिपेयरिंग फॉर द द अनएक्सपेक्टेड सपोर्टिंग वल्नरेबल ठीक है ये वाला थीम जो था ये था वर्ल्ड किडनी डे का थीम ठीक है ऑन सेमी कॉन्डक्टर इंडिया के साथ सेमी कॉन्डक्टर बनाने के लिए कौन से कंट्री ने समझौता किया है तो इसका आंसर है आपका यूनाइटेड किंगडम यू कैन है यहां पर एमओ यू साइन किया है ठीक है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट हु हैज बिकम सॉरी हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट बहुत ही गर्व का बात है हु हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट न्यूयॉर्क कोर्ट में इंडियन अमेरिकन फर्स्ट जज कौन बने ये वाला जो सवाल का आंसर है उसका आंसर हो जाएगा अरुण सुब्रमण्यम ठीक है अरुण सुब्रमण्यम ठीक है नेक्स्ट फाइव टे लॉन्ग योशंग शायद योशंग ठीक है योशंग फेस्टिवल हैज बी गन इन हुई फाइव डे लॉन्ग योशंग फेस्टिवल एक पे मनाया जाता है आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में ठीक है योशंग फेस्टिवल नेक्स्ट इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड ये वाला क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लीजिए ठीक है आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट तो इसको थोड़ा आप हाईलाइट रखिए योशंग फेस्टिवल एक्चुअली कहाँ पे मनाया जाता है ठीक है इंडियन आर्मी इंस्टॉल द टॉलेस्ट आइकोनिक नेशनल फ्लैग इन हुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ये था आपका दोदा, पे? दोदा पे इसको लगाया गया है और वही हंड्रेड फीट का है वन हंड्रेड फीट का है ये वाला देखिए इंडियन फ्लैग अभी तक का सबसे बड़ा फ्लैग ठीक है नेक्स्ट वर्नमेंट है इश्यूज ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल ग्रुप्स वुमेन को और भी प्रिवलेजेस दिया जाएगा ठीक है कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने इसका <coughs> याचिका भी दाखिल किया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ठीक है

तो पे तीन नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इसरो एंड देर इसरो जाक्सा ने मिलके इस निसर को बना डाला ठीक है नेक्स्ट द लैंडस्लाइड एटलस एटलास क्या बोले देखिए लैंडस्लाइड एटलास रिपोर्ट इन इंडिया पब्लिश अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ए कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट रिमोट इंडियन सॉरी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इट्स माइट बी द आंसर यस द आंसर इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसके द्वारा क्या किया जाता है लैंडस्लाइड अलर्ट्स रिपोर्ट को पेश किया जाता है नेक्स्ट अच्छा देखिए तो धैशवास इंडियन फर्स्ट वुमेन टीचर शी वॉज ऑल्सो एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड पावरफुल वॉयस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो वो कौन थे वो थे आपके सावित्री बाई फुले अभी तो रिसेंटली इनका नाम न्यूज़ पे क्यों है क्योंकि इनका वन ट्वेंटी सिक्स डेथ एनिवर्सरी हाल ही में गया है ठीक है तो इसीलिए बोला गया है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टीचर शी वॉज ऑल्सो एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड अ पावरफुल वॉयस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल शी वॉज सावित्री बाई फुले ओके okay? तो इनका Next. Next, का नाम अच्छे से याद रखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? Inaugurates, इन है? ठीक पे? कर्नाटक में और कर्नाटक के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपके धारवा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? में। है? पे? डिस्ट्रिक्ट में। ठीक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नाटो नाटू आप सभी को मालूम ही होगा इंडिया का सॉन्ग है नेक्स्ट Which of the following won the Oscar for the best documentary short film in 2023? Best documentary short film, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा आपका? The Elephant Whispers. क्या है आंसर? The Elephant Whispers. Okay. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Which automobile company unveiled as a Uman production line in Tamil Nadu plant? वो कौन से automobile company है? जिसने उमन production line को Tamil Nadu plant पे introduce किया? वो है आपका Oshkoleland. बहुत बराबर ट्रक बनाया जाता है इनके और से. क्स्ट गवर्नमेंट अपॉइंटेड एज इंटर चेयरमैन ऑफ एल आई सी फॉर थ्री मंथ्स के लिए इसका आपका सिद्धार्थ मोहंते ठीक है नेक्स्ट हुई थर्टी सेकेंड सम्मान थर्टी सेकेंड सम्मान के लिए किसको चुना गया है उसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ठीक है तो इन्होंने क्या किया था पागल खाना 2018 थाउजेंड एटीन एस्टेरिकल नोवल बाई रिनोड हिंदी ऑथर ज्ञान चतुर्वेदी चूजे फॉर द थर्टी सेकेंड व्यास सम्मान तो इसको आ, इनको किस लिए दिया गया है क्योंकि 2018 में पागल खाना नाम के एक नोवेल लिखे थे ठीक है तो इसीलिए इनको थर्टी सेकेंड व्यास सम्मान मिला ये है ठीक है एक ऑथर है नेक्स्ट चलिए वंदे भारत एक्सप्रेस इज नाउ बींग ड्राइवन बाई द फर्स्ट फीमेल लोकोमोटिव ठीक है पायलट इन एशिया वो कौन है वंदे <coughs> भारत को अभी जो चलाएंगे वो है आपका सुरेखा यादव कौन है सुरेखा यादव नेक्स्ट देखते हैं आयुष मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज योगा महोत्सव 2023 इन हुई सिटी आयुष मिनिस्ट्री ने जो योगा महोत्सव 2023 एक कौन सी सिटी में लॉन्च किया है वो है आपका न्यू दिल्ली में ठीक है नेक्स्ट द इंडियन ओशन एरिया विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ द मल्टीलैटरल एक्सरसाइज ला पेरोस व्हिच कंट्री होस्ट दिस एक्सरसाइज ठीक है इंडियन ओशन एरिया में अभी एक एक्सरसाइज चल रहा है ठीक है तो अभी इसको कौन से कंट्री इसको होस्ट कर रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंच नेवी ठीक है एक नेवी एक से नाम क्या है इसका ला पेरोस ठीक है लीड कर हु वॉज अपॉइंटेड बाय द फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कंपनी एफ डी आई सी टू लीड सिलिकॉन वैली बैंक तो अभी सिलिकॉन वैली बैंक का जो न्यूज है उसको वो आपको हमारा कंटेंट में मिल जाएगा एक सारे ने ऑलरेडी डिस्क्राइब करके रखा है कि सिलिकॉन बैंक में किया गया हुआ है और वो बैंक कैसे बैंकक्रप्ट हो गए ठीक है विद इन 1 ईयर कैसे एक बैंक सोल्डेड हो सकता है ठीक है तो वहाँ पे जाके आप चेक कीजिए सो हु वाज अपॉइंटेड बाय द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC टू लीड द सिलिकॉन वैली बैंक वो कौन है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका टीम मायोपोलिस ठीक है नेक्स्ट

तो इसको द रिजर्व बैंक आर बी आई ग्रांटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी आई एफ सी स्टेटस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आई आर ई डी ए तो इसका आंसर क्या जा हो जाएगा देखिए नीचे ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब करके देखा हुआ है कि रिसेंटली आरबीआई ने किया गया है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आई एफ सी स्टेटस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आई आर ई डी ए को इसको दिया गया है ठीक है देखिए ये वाला हो जाएगा आपका आंसर नेक्स्ट Union Environment Minister यादव है एज ऑफ लिमिट ऑफ फिनेंशियलिस्टेंस फॉर वेटर स्कीम तो उसमें एज लिमिट क्या है उसका आंसर हो जाएगा आपका 60 years and above. ठीक है सिक्सटी से ऊपर होना चाहिए

so next time we will discuss another weekly current affairs series with a lot of mcqs. thanks a lot from the team of shomish. please do like, subscribe and comment. okay. Uh, and please give your valuable suggestion if there is any suggestions and i will upload the whole series pdf or a ppt in the description section. so please check it from there. thanks a lot.